तो गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने SIP को कैसे कैंसिल करेंगे, SIP कैसे रद्द करेंगे। अगर आप लोग परेशान हो चुके हो अपने SIP से, बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कई सारे मोटिवेशनल वीडियो देख करके जो है कि SIP करना शुरू कर देते हैं, जिसमें हाई अमाउंट भी रख देते हैं हम लोग SIP के तौर पर, लेकिन जब पैसे की कमी पड़ती है तो हम लोग अपने SIP को जो है कि नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें SIP को कैंसिल करना पड़ता है या फिर SIP को रिजेक्ट करना पड़ता है। तो इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने SIP को कैसे कैंसिल करेंगे, बंद करेंगे, कैसे रिजेक्ट करेंगे, इसके बारे में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। चाहे आपका SIP एंजल वन में हो, चाहे आपका ग्रो एप्लीकेशन में हो, किसी में भी अगर आपने SIP किया है तो SIP को कैंसिल करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम होने वाला है। तो यहां पर मैं आप लोगों को कैंसिल करके दिखाने वाला हूं कि कैसे आप लोग कैंसिल करेंगे, इसके लिए क्या प्रोसीजर है, साथ में कैंसिल करते समय आप लोगों को किन किन बातों को ध्यान में रखकर कैंसिल करना है, इसके बारे में A to Z प्रोसेस आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो चलिए मैं चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आप लोगों को यहां पर कैंसिल करने का जो प्रोसेस है आप लोगों को बताता हूं। SIP ग्रो एप्लीकेशन में हो, चाहे एंजल वन एप्लीकेशन में हो, अगर किसी में भी आपने SIP स्टार्ट किया है तो SIP को बंद करने का, कैंसिल करने का जो प्रोसेस है सेम टू सेम यहां पर होने वाला है। तो बेसिकली यहां पर मैं आप लोगों को ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू SIP को कैसे क्लोज करना है, कैसे बंद करना है, कैसे कैंसिल करना है, इसके बारे में आप लोगों को एक एक स्टेप बताने वाला हूं। तो बेसिकली आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने अपने जो है कि ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर रखा है। सिंपली म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इसके बाद आपके सामने म्यूचुअल फंड यहां पर आ जाएगा। लेकिन बेसिकली आप लोगों को कैसे क्लोज करना है, यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है कि ऑल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। ऑल ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद म्यूचुअल फंड में आप यहां पर देखेंगे मैंने यहां पर SIP जो है कि स्टार्ट किया है 1000 का। यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर SIP का सारा डिटेल आ जाएगा, ठीक। तो बेसिकली यहां पर आप लोग क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा, जहां पर आपके SIP का कंप्लीट डिटेल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा यहां पर। इसके बाद आप लोग यहां पर देखेंगे इन्वेस्टेड में, यहां पर देखिए जैसे आप जिसमें जो है कि इन्वेस्ट किए रहेंगे, इन्वेस्ट करने के बाद सिंपली यहां पर इन्वेस्टेड आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है, तो सिंपली इन्वेस्टेड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जो प्रॉफिट होगा या फिर जो आपको मार्जिन मिला होगा, ठीक है, वो आप लोग को यहां पर शो कर देगा। जैसे कि मेरे केस में आप देख लीजिए 1000 रुपये मैंने यहां पर जो है कि कल ही मैंने जो है कि 2 दिन पहले मैंने SIP में यहां पर इन्वेस्ट किया है, 1000 रुपया का मेरा यहां पर जो बैलेंस अभी बना हुआ है 1004 रुपया बना हुआ है, ठीक। अगर यहां पर डे जो है कि रिटर्न्स की मैं बात करूं तो 3.83% का मुझे यहां पर रिटर्न मिला हुआ है, और बेसिकली यहां पर करंट की अगर मैं बात करूं तो आप देख लीजिए 3.377.68% जो है कि ये हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग इसे कैसे रिडीम करेंगे, तो इसको रिडीम करने के लिए सिंपली यहां पर रिडीम पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कितना यहां पर चाहिए तो रिडीम ऑल पर क्लिक करेंगे, अगर SIP को आपको बंद करना है, क्लोज करना है तो। इसके बाद वेरीफाई एंड रिडीम ऑल लिखा हुआ इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्लस ईमेल आईडी पर। इसके बाद कंफर्म पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे का एक स्टेप और कंप्लीट करके आपका जो SIP है वो कैंसिल होकर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग SIP जो है कि कैंसिल कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि SIP को कैसे कैंसिल करना होता है, कैसे रिजेक्ट करना होता है। तो हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।